नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के कारण हर चार में से तीन लोगों की दिमागी क्षमता काफी प्रभावित हुई है। महामारी से मुक्त होने के दो महीने बाद तक 77% से अधिक लोगों को मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि कोरोना संक्रमण के बाद व्यक्ति का एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इससे लोगों के लिए ध्यान केंद्रित करना, योजना बनाना, लचीले ढंग से सोचना और चीजों को याद रखना मुश्किल हो सकता है। कोरोना से ठीक होने वाले 16% लोगों की सोचने समझने और याददाश्त की समस्या प्रभावित दिखी। 6% लोगों की याददाश्त क्षमता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। कोरोना से उबरने के बाद दो महीने तक लोगों में दूरी और गहराई संबंधी बोध और सूचना एकत्र करके उसे समझने की क्षमता में कमी देखी गई है। अब तक यही समझा जाता था कि कोरोना के फेफड़ों पर हमले से मरीज की सांस थम जाती है, लेकिन एक नए शोध से पता चला है कि कोरोना वायरस दिमाग पर भी अटैक करके सांस लेने के तंत्र को ध्वस्त कर देता है, जिससे मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस ब्रेन के स्टेम खासकर मेड्यूलर स्तर तक पहुंचकर दिमागी क्षमता प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे बोल स्काई के साथ।